ये नहीं सुमन, वो वाला फोटो दिखा मुझे। अपने बेटे अमन के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए और सुंदरता के साथ साथ संस्कारी भी होनी चाहिए, ममता जी ने अपनी पड़ोसन सुमन से कहा, जो एक मैरिज ब्यूरो में काम करती थी। आज बहुत सारी लड़कियों के फोटो लेकर ममता जी को दिखाने आई थी। ममता जी ने एक दो फोटो पसंद कर लड़की देखने का टाइम भी दे दिया। ममता जी के पति राकेश जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व से ओतप्रोत थे और काफी देर से दोनों महिलाओं की बातें सुन रहे थे। ममता जी ने सुमन जी से अपने वार्तालाप में कई बार कहा कि हमें सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। इस शब्द को सुनकर राकेश जी थोड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा कैसा है। न उसको काम करना पसंद है और न ही वो पढ़ने में कभी भी सीरियस था। दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना और बाप के पैसे उड़ाना, ये तो उसका मुख्य पेशा था। राकेश जी ने कितनी दफा उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन मजाल है कि 4 दिन से ज्यादा कहीं टिक जाए। सुमन के जाने के बाद राकेश जी ने ममता जी से कहा, इतनी देर से देख रहा हूँ, ममता तुम गुणगान किए जा रही हो कि दुनिया की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए, लेकिन एक बार भी अपने बेटे की तरफ तो देख लेती कि वो कितना संस्कारी है। ना नौकरी करता है, ना अपने भविष्य को लेकर जरा सी भी चिंता फिकर है। अभी भी देख लो, घर नहीं आया, कितनी देर हो गई घर से गए। दोस्तों के साथ अयाशी करने में लगा होगा। शाम से रात हो गई, लेकिन अमन अभी नहीं लौटा। राकेश जी ने इंतजार करते करते खाना खा लिया। ममता जी अभी भी बेटे का इंतजार कर रही थी। फोन मिलाया तो अमन ने कहा, वो खाना खाकर आएगा, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में है। बेटे से बात करने के बाद ममता जी भी खाना खाकर अपने कमरे में पहुंच गई। ममता जी को देखते ही राकेश जी ने कहा, जो सुंदर और संस्कारी लड़की तुम लाना चाह रही हो अपने नवाब साहब के लिए, वो भी तुम्हारी तरह इंतजार किया करेगी, तुम्हारे लाडले का अच्छा लगेगा तुम्हें। हम जानते हैं हमारा बेटा कैसा है, उसके बावजूद हम किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दे, ये तो गलत होगा ना ममता। उद्धरण चिन्ह। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता जी बोली, सुनिए आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन शादी हो जाएगी, पत्नी घर आ जाएगी तो अमन जल्दी घर भी आएगा और जिम्मेदार भी हो जाएगा। अभी लड़कपना है, उसमें एक बार जिम्मेदारी तो पढ़ने दीजिए उसके कंधों पर, देखना मेरा अमन बिल्कुल आपके जैसा बन जाएगा, दुनिया का सबसे प्यारा बेटा और सबसे प्यारा पति। उद्धरण चिन्ह। ममता जी की बात सुनकर राकेश जी थोड़ा शांत हुए, क्योंकि मन ही मन वो भी चाह रहे थे कि उनका बेटा अपने जीवन और परिवार को लेकर जिम्मेदार बन जाए, लेकिन शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ही। ममता जी की आंख लग गई। 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो राकेश जी गए दरवाजा खोलने। रात में कोई नाटक नहीं हो इसलिए कुछ नहीं बोले, लेकिन अमन से आ रही बू से उन्होंने भांप लिया था कि वह पीकर आया था। रात भर राकेश जी सो नहीं पाए, सोचने लगे कि क्या कमी रह गई उनकी परवरिश में जो अमन इतना बिगड़ गया। बाप के सामने शराब पीकर घर आ रहा है और उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात की। किसी की बेटी को बहू बनाकर लाएगे, कितने सपने देखे होंगे उस लड़की ने अपने जीवन साथी को लेकर। अमन तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लड़का जो किसी लड़की के सपनों का राजकुमार बने। वो किसी की बेटी का जीवन खराब नहीं होने देंगे, इस उम्मीद में तो कदापि नहीं कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। अगले दिन सुमन फिर आई ये बताने कि कल लड़की देखने जाना है। रात को ममता जी ने राकेश जी को बताया कि सुबह ऑफिस से छुट्टी ले लेना, कल हमें अमन के लिए लड़की देखने जाना है। सुमन बता रही थी बड़ी ही सुंदर और संस्कारी है, उस लड़की का घर परिवार भी अच्छा है, उसके पिताजी की भी सरकारी नौकरी है और वो हमारे अमन से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। राकेश जी उस समय कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह जैसे रोज अपने ऑफिस के लिए निकलते थे वैसे ही तैयार होकर जाने लगे। उन्हें जाते देख ममता जी बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, अमन के पापा 11 बजे हमें लड़की देखने जाना है। ममता जी की बात सुनकर राकेश जी बोले, नहीं ममता, हम लड़की देखने नहीं जा रहे हैं और तब तक नहीं जाएंगे कि जब तक तुम्हारा बेटा परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखेगा। जिस लड़के को अपने जन्म देने वाले माँ बाप की फिक्र नहीं है, वो भला पराए घर से आई लड़की की परवाह कैसे करेगा। मैंने अपने बॉस से इसकी नौकरी की बात कर ली है,
अगर इसे रुचि हो तो भेज देना ठीक 11 बजे ऑफिस में। राकेश जी ये कहते हुए निकल गए और ममता जी उन्हें ताकती रह गई। दोस्तों, हर व्यक्ति की मानसिकता अगर राकेश जैसी हो जाए तो किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद न हो। लड़की में खूबियां ढूंढने वाले माता पिता को ये अवश्य देख लेना चाहिए क्या उनका बेटा काबिल है उस लड़की के। सुंदर व संस्कारी लड़की की चाह रखने वाले माता पिता को अपने बेटे को भी जिम्मेदार और संस्कारी बनाना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।